अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है। और यह हिंदुस्तान के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उसके सामने एक औरत ने, बड़के नौजवान लड़की ने यह सवाल किया कि जितना हम भगवान को पूजें, जितना हम भगवान का करें, जितना हम इनका करें, उतनी ही परेशानियाँ हमें आती हैं। हालांकि हमें परेशानी तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम इतना कुछ इनके लिए करते हैं। तो नाज़रीन, आखिर सवाल बड़ा ही कमाल का है। एक मरतबा पंडित को इस औरत ने हला के रख दिया। आप हैरान होंगे कि वो उसकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही पंडित की। तो आइए नाज़रीन, वो वीडियो देखते हैं। वीडियो बड़ी कमाल की है, तो आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। साथ ही हम आपको जाकर नायक हाफिज़हुल्लाह ताला के भी वीडियो दिखाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है। जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन है सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये क्यों सही है, अर्जुन भक्त थे कि नहीं। माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं, थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं। एक साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना, सरल काम तो नहीं है। अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. एक गैर मुस्लिम सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। अगर अल्लाह सुबहाना व ताला अपनी तकदीर लिखता है तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुबहाना व ताला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूँ मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूँगा। ये तकदीर के क्या मानी होते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर वन आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, बुरा मत लगना भाई साहब।
और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुभान व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे है। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है। अल्लाह सुभान व तआला के पास इल्मे गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है, कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुभान व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं, अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें या नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, चार रास्ते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर तीन। अल्लाह सुभान ताला को पहले से इल्मे गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर तीन लेंगे। तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर तीन चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्मे गैब। अल्लाह सुभान व तआला इल्मे गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर तीन चुनेंगे और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर तीन रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप तीन नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूँ, आपने दसवीं पास की, बारहवीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते, आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब बारहवीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते, आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप बारहवीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ू मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा ये वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फेल हो गया फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुभान व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया मुझे पास कर ले, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता और पास कर लेता। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो।
आपने कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करना चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे, बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए, कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहज़ा फरमाई तो माशाल्लाह जाकर नाइक हाफिज़ा अल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात करते चले, ये तकदीर की बात है। जैसा कि हमारा ईमान उतनी देर तक कम्प्लीट नहीं होता जब तक हम अल्लाह पर ईमान न लाएँ, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और तमाम रसूलों पर और तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान ना हम रखें तो हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। तो नाज़रीन ये जो हम कहते हैं ना जी सारा कुछ हमारे ऊपर ही यानी कि डाल दिया गया, परेशानी है तो हमारे लिए ही सब कुछ छोड़ दी, परेशानी आ गई है, ये बात गलत है। अब देखें अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों से कहा हज़रत आदम को सजदा करो, तो सब ने किया, नहीं किया तो इबलीस ने नहीं किया। अब इबलीस ने नहीं किया उसको निकाल दिया गया जन्नत से, एक सजदा, हालांकि आर्डर किसका था, हुक्म किसका था, अल्लाह का। वो आगे से ये कह रहा है कि मुझे इसकी वजह से निकाला गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी गलती नहीं मान रहा कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। तो नाज़रीन खुद पहले अपनी तरफ देखें कि आपसे क्या गुनाह हुआ है, फिर आप ये बात कहें कि कहा करें कि हाँ जी हमारे ऊपर ही अस्तगफिरुल्लाह डाल दिया गया, ऐसी बात भी अपनी तरफ देखें पहले। आप देखें कि आपके साथ आपने कौन सी गलती की है। तो खैर नादिन यहाँ पे यह भी बात करते चले, और दूसरी नंबर पे बात ये देखा जाए उम्मत मुसलमान के अंदर भी लोग ऐसे हैं वो भी यही कहते हैं जी अल्लाह के सामने गया, लो जी परेशानी हमारे लिए ही है, टेंशन हमारे लिए ही है। तो अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक के अंदर फरमाया व नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात वबशिर सबिर, मैं तो अपने बंदों को आजमाता हूँ मान लो कि कमी कर कर और जान लेकर, तो जो सब्र कर गया वही कामयाब, वबशिर सबिर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी बात करते चलें, और अल्लाह पाक जो अल्लाह पाक है अपने मोमन बंदे को ही आजमाते हैं जिसके साथ ज़्यादा प्यार हो, जिसके साथ ज़्यादा मोहब्बत हो। नहीं तो आप नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ देख लें, हालांकि अल्लाह के नबी हैं तो उनको भी परेशानी आ गई है, दुख आ गया, तो आप पढ़ेंगे उन्होंने बड़ी खूबसूरत दुआ की है, फरमाया व अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, उन्होंने कहा अल्लाह के ये मेरी मुझे परेशानी आ गई है तो इस परेशानी से दूर अल्लाह आपने ही करना है, आप रहमान और रहीम है। तो नाज़रीन ऐसी कोई बात नहीं है, तो नाज़रीन ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें तकदीर की अच्छाई और बुराई पर भी ईमान रखने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अहसन जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।